नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ बीएन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2020 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फ्रीक्वेंटली एक्स क्वेश्चन है, तो बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है सारा क्वेश्चंस, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियोज अपलोड कर दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप लिंक में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर थॉर्नडाइक द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग वाज विकरियस लर्निंग, सोशल लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग जो है किसका, थॉर्नडाइक का, तो कौन सा है, विकरियस लर्निंग है, सोशल लर्निंग है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो उनका बेसिक जो फॉर्म था लर्निंग का वो था ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द नोडल एजेंसी फॉर फ्रेमिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो एनसीएफ 2005 हुआ, उसको फ्रेम करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी जो था उसका, वो कौन सा था। ऑप्शन है हमारे पास में, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सेकेंड ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन सी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ऑप्शन डी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका जो था एनसीएफ 2005 फॉर्म करने का जो नोडल एजेंसी जो था वो था नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, तो ऑप्शन बी था। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करके मेमोराइज कर देंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूलने का चांस रहता है कि किसने क्या किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए वर्बल और नॉन वर्बल प्रॉम्प्ट और सिग्नल गिवन बाय द टीचर्स व्हेन द स्टूडेंट्स नीड टू बी रिमाइंडेड टू बिहेव इन ए सर्टेन वे और टू रिफ्रेन फ्रॉम द बिहेविंग इन ए सर्टेन वे इज टर्म एज। तो इसको क्या बोला जाता है, दैट मीन्स कोई सिग्नल दे के, टीचर कोई सिग्नल दे के उसको कोई बिहेवियर पैटर्न सिखा रहे हैं या रिमाइंड करा रहे हैं कि आपको इस टाइप करना है उस टाइप, तो कोई सिग्नल के थ्रू, ओके, प्रॉम्प्ट करके उसको बता रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टिमुलस, क्यू, इंसेंटिव एंड रीइंफोर्सर। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, इसको क्यू बोलते हैं, ठीक है, क्यू दे रहना है। ओके, तो ये था ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विथ रेस्पेक्ट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन ए सब्जेक्ट बाय टीचर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरिलेवेंट। ओके, तो कोई एक चीज़ का प्रेजेंटेशन करना है तो कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर लेके, तो इसमें से कौन सा इरिलेवेंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एग्जिस्टिंग क्लासरूम कंडीशन, कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। तो जब भी कोई भी एक चीज़ का प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमको क्लासरूम की जरूरत पड़ती है ना, एग्जिस्टिंग क्लासरूम, कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट की भी जरूरत पड़ती है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स भी उसका होता है। तो इसका कौन सा चीज़ जरूरी नहीं है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज इरिलेवेंट। ओके, इरिलेवेंट है ये, रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which among the following regulates the regulators and monitors service given to the person with disability? Disability को जो service मिलता है, जिसको जो facilities मिलता है, उसको कौन monitoring करता है, उसका कौन monitoring करता है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है National Institution of Public Cooperation and Child Development, National Institute of Social Defense, Rehabilitation Council of India and National Book Trust। ओके, हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा सही है उसको हमको चूज करना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, इसका सही आंसर क्या है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू एनश्योर इफेक्टिव लर्निंग इन क्लासरूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरिलेवेंट। ओके, क्लासरूम में क्या करना है, इफेक्टिव लर्निंग को इंश्योर करना है, तो इसमें से कौन सा इरिलेवेंट है वो पूछा गया है। ओके, ऑप्शन ए में दिया है द टीचर शुड एनश्योर डैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न एट देयर ओन पेस, द टीचर शुड एनश्योर डैट इंफॉर्मेशन टू बी लर्न इज प्रेजेंटेड इन स्मॉल स्टेप, देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास सो डैट द टीचर्स में टीच अनडिस्टर्बली। और ऑप्शन डी में दिया है द स्टूडेंट्स शुड बी गिवेन इमीडिएट फीडबैक कंसर्निंग द एक्यूरेसी ऑफ देयर लर्निंग। तो इसमें कौन सा इरिलेवेंट बोला गया है, तो जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है सारा रिलेवेंट है, एक को छोड़ के कौन सा ऑप्शन इरिलेवेंट है, ऑप्शन सी इज द इरिलेवेंट। ओके, जब भी कोई इफेक्टिव लर्निंग होना होता है तो क्लासरूम का कंडीशन क्या है, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन हम अगर देखने के लिए जाएंगे, टीचर शुड एनश्योर डैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न एट देयर ओन पेस। ओके, ये चीज़ है, टीचर एनश्योर होना चाहिए कि स्टूडेंट अपने पेस पर लर्न करे, है ना। दूसरा है द टीचर शुड एनश्योर डैट
द इन्फॉर्मेशन टू बी लर्न इज प्रेजेंटेड इन स्मॉल स्टेप. जो भी हमको बच्चे को पढ़ाना है या सिखाना है उसको हम स्मॉल स्टेप में प्रेजेंटेशन करें, है ना, स्मॉल छोटा छोटा टुकड़ा करके उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें. और ऑप्शन डी में दिया है द स्टूडेंट शुड बी गिवेन इमीडिएट फीडबैक कंसर्निंग द एक्यूरेसी ऑफ देयर लर्निंग. तो पढ़ाने के बाद बच्चे का फीडबैक भी देना जरूरी है कि क्या एक्यूरेसी है, कितना सही तरीके से उन्होंने सीखा है, उसका फीडबैक देना जरूरी है. तो सारा रिलेवेंट है, ऑप्शन सी ई रिलेवेंट है. ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा. ये आज का वीडियो था. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.